हेलो नमस्कार, प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार नई इस वीडियो में आप सभी का करता हूँ स्वागत। क्या वाकई में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन होने वाला है देश के अंदर? ऐसे कई सवाल मुझको आ रहे हैं कमेंट्स में। पिछले एक हफ्ते से सरकार और सोशल मीडिया के बीच काफ़ी कसाव है, तनाव है। आइए इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देता हूँ। क्या चल रही है देश में पूरा काम न्यू सोशल मीडिया रूल्स के तहत? सरकार क्या चाहती है, ये कंपनीज क्या चाहती है, और क्या वाकई में बैन होने का खतरा है इनके ऊपर या फिर नहीं? बात है फरवरी की, जब रविशंकर प्रसाद यूनियन मिनिस्टर ने ये चेतावनी दी सोशल मीडिया कंपनीज को कि जल्दी से जल्दी एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर या ग्रेवेंस ऑफिसर वो प्रदान करें देश में हर नोडल एरियाज में, ताकि जब भी सरकार को किसी प्रकार की समस्या हो सोशल मीडिया से रिलेटेड तो वो उनसे पूछ सके, उनसे जवाबदही ले सके। अब ऐसा क्यों चाहती है सरकार? क्योंकि दोस्तों फेक न्यूज कई बार सोशल मीडिया के थ्रू ही प्रोपगेट होती है, और फेक न्यूज को अगर हटाना है तो उसकी प्रक्रिया काफी कठिन थी और कई बार वो नहीं हटती है। तो सरकार चाहती थी कि हमारे सामने कोई शख्स हो हर कंपनी का अलग मौजूद, जिससे हम कह के वो फेक न्यूज तुरंत हटवा सकें और देश में किसी प्रकार की समस्या न हो, ऐसा कहना है। अब अंदर की बात क्या है, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन ऐसा जनता के सामने बात रखी गई। और सोशल मीडिया न्यू रूल्स उन्होंने फॉर्म किया, आप उनको आईटी रूल्स भी कह सकते हैं, और उन्होंने 3 महीने की मोहलत दी इन सभी कंपनीज को कि जल्दी से जल्दी हमें ग्रेवेंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर आप सभी प्रोवाइड कीजिए। 26 मई की डेडलाइन थी और 26 मई के पहले 2 दिन से ही एक खबर सर्कुलेट होने लगी कि अगर सरकार को नहीं प्रोवाइड करते हैं ये सभी नोडल या ग्रेवेंस ऑफिसर्स तो फिर सरकार इन सबको बैन कर देगी। पर बैन करने की बात नहीं थी दोस्तों, सरकार उन सबके खिलाफ एक्शन लेती। अब एक्शन वही लेती जो कि एक आम बिजनेस के खिलाफ ले सकती है, वो सोशल मीडिया है तो ऐसा नहीं होगा कि उनको फांसी पे चढ़ा देंगी या देश से बैन कर देंगी। देश से बैन तभी की जाएगी जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी। लेकिन दोस्तों 27 मई तक इन कंपनीज का कोई भी रुख नहीं था गवर्नमेंट की ओर पॉजिटिव। जब रविशंकर प्रसाद जी ने एक और नोटिस भेजा और इस बार स्ट्रिक्टली पूछा, तो फाइनली व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, कू ऐप, इंस्टाग्राम, इन सभी ने नोडल ऑफिसर्स, ग्रेवेंस ऑफिसर्स प्रोवाइड कर दिए, लेकिन ट्विटर अभी तक नहीं किया। ट्विटर से जब फिर पूछा गया तो ट्विटर ने एक लॉयर का नाम दे दिया कि जब आप कोई भी समस्या हो तो आप इस लॉयर से पूछ सकते हैं, और वो लॉयर उनका इंडियन लॉयर था, जिस पर सरकार ने आपत्ति जताई और कहा 36 घंटे के अंदर हमारी समस्या का आप समाधान कीजिए, नहीं तो आपको भारी एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो लगभग सारी सोशल मीडिया कंपनीज ने बात मानी ट्विटर को छोड़, और मुझको उम्मीद है ट्विटर भी जल्दी मान जाएगा क्योंकि ट्विटर को भी अपनी बाजार इंडिया में चलानी है। ट्विटर के इंडिया में 170 मिलियन से ज़्यादा यूज़र। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्लैरिफिकेशन यूजर्स के बेसिस पे ही किया है। जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 50 लाख से ज्यादा जनता होगी उन्हीं के लिए ये नए रूल्स होंगे। नए रूल्स में 2 और चीजें शामिल है दोस्तों। पहला ये कि कोई भी फेक न्यूज होगी उसको तुरंत आपको हटाना होगा। जो भी सरकार कहेगी कि ये खबर गलत चल रही है इंटरनेट पे या इसको नहीं चलना चाहिए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसको हटाना होगा। दूसरी चीज, किसने वो न्यूज फैलाई है, सबसे पहली बार वो न्यूज किसने डाली है, कितनी बार वो फॉरवर्ड हुआ है, कहां कहां से फॉरवर्ड हुआ है, ये सारी जानकारी भी सरकार को चाहिए। अब व्हाट्सएप के लिए ये एक समस्या का कारण हो गया क्योंकि व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखता है। एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन मतलब कि वो नहीं जानती है कि किसने कौन सा मैसेज किसको भेजा। व्हाट्सएप खुद इसमें इन्वेट नहीं करती लोगों के प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए। लेकिन अगर सरकार ये जानना चाहती है कि किसी मैसेज को सबसे पहली बार किसने भेजा है तो फिर व्हाट्सएप को एंड टू एंड प्राइवेसी में इन्हेल करना पड़ेगा, और इसीलिए व्हाट्सएप ने सरकार के ऊपर उल्टा एक केस ठोका है दिल्ली हाई कोर्ट में कि सरकार प्राइवेसी को इन्हेल करना चाहती है, जिसपे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साइबर दोस्त का ये कहना है कि सरकार खुद जनता के प्राइवेसी का ध्यान रखती है पर जब बात आ जाती है नेशनल सिक्योरिटी की तो फिर सरकार किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है। तो आप सभी मन में ये बात बैठा लीजिए दोस्तों कि अब आपके प्राइवेसी को इनहेल करने से कोई नहीं रोक सकती क्योंकि सरकार खुद इसके पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि बात यहां पर नेशनल सिक्योरिटी की है। जब भी कोई फेक न्यूज फैलाता है तो फिर उस फेक न्यूज फैलाने वाले का खबर भी होना जरूरी है। अब उसके लिए प्राइवेसी को इनहेल करना पड़े तो सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। इसी बीच व्हाट्सएप की एक और बात सामने आती है। व्हाट्सएप ने जनवरी के महीने में न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आप सभी के लिए लाई थी जिसको देश और दुनिया भर के लोगों ने नकार दिया और पसंद नहीं किया। व्हाट्सएप ने 15 मई की डेडलाइन डाली थी कि 15 मई तक आप सभी को इसको एक्सेप्ट करना ही होगा, और जनता इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अभी तक का ये सिस्टम था कि अगर जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो व्हाट्सएप आप सभी को लिमिट कर देगी, आप सभी मैसेजेस भेज नहीं पाएंगे, समय के साथ रिसीव नहीं कर पाएंगे और थोड़े समय में कॉल्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों सैटरडे को व्हाट्सएप शायद लाइन पर आ
गया और नेक्स्ट वन को इंटरव्यू देते हुए व्हाट्सएप के ऑफिशियल ने ये कहा, जनता को डरने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप उनके किसी भी फीचर को लिमिट नहीं करेगा अगर प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की जाती है तो भी। चलिए व्हाट्सएप लाइन पे आया, अभी ट्विटर को लाइन पे आने की पारी है और देखना यह है कि सरकार कितने समय में ट्विटर को लाइन पे ला लेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे समझ आई होंगी। एक के बाद एक ये प्रोसीजर्स हुए थे सोशल मीडिया के गेम के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बहुत तेजी से प्रोपोगेट होते हैं और उसकी वजह से कई बार कई बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, जिसके चलते सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं। अब ये सारे कदम कितने अच्छे हैं, लिए सबकी पर्सनल जजमेंट अलग हो सकती है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और यहां भी कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं, जो कि दोनों चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। मन में ये बात आप निकाल दीजिए कि सोशल मीडिया का कोई भी सर्विस बैन होने वाला इंडिया में, ऐसा कुछ नहीं है, बस सरकार अब इन सब चीजों को रेगुलेट करना चाहती है और समय रहते रेगुलेट किया भी जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं छुपने वाली है, आप ये मत डरिएगा कि आप अगर मोदी जी के खिलाफ व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख देंगे किसी को तो फिर आपको जेल हो जाएगी या फिर सरकार आपको पहचान के आपके खिलाफ कोर्ट में दलील डाल देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इंडिया है, चाइना नहीं है। चाइना में फ्रीडम टू एक्सप्रेशन बहुत कम है पर इंडिया में वो बनी रहेगी। बस दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब चीजें समझ गए होंगे। इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, सबके लिए इस इंफॉर्मेशन का रखना बहुत जरूरी है ताकि फेक न्यूज से आप और मिसकंसेप्शन से बचे रहें। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।